नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं ग्वालियर इटावा रेलवे ट्रैक पर आजकल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग स्रोतों से इस विद्युतीकरण के कार्य की प्रगति की जानकारियां आती रहती हैं। इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करने के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्वयं इसका अपडेट देखने का निर्णय लिया। 15 मार्च 2020 बिरला नगर रेलवे स्टेशन से हमने अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 6:15 बजे ग्वालियर इटावा पैसेंजर से और इस बारे में कुछ जानकारी जुटाई। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिरला नगर से निकलते ही भद्रौली और सनीचरा के बीच में हमें कई जगह OHE के लिए गड्ढे खोदे हुए दिखे। सीमेंट कंक्रीट से बने हुए ये गड्ढे पूरे हो चुके थे और इन पर टेम्प्रेरी कवर लगाकर ढक दिया गया था। शनिचरा रेलवे स्टेशन पर सब स्टेशन बनाने के काम भी कुछ हद तक प्रोग्रेस में दिखाई दिया। जैसा आप जानते हैं ग्वालियर से मैनपुरी के बीच 34 सब स्टेशन बनाए जाने हैं। इनमें से फिलहाल 16 पर काम चल रहा है। ये सब स्टेशन बिरला नगर, मालनपुर, गोहद, सोनी, एतहार, भिंड, फूप, उदी, बा, सैफई, करहल, मैनपुरी में बनाए जाएंगे। इनके लिए करीब 70,000 से अधिक पोल लगाए जाने हैं। पूरे कार्य का प्रोजेक्ट की लागत 200 करोड़ रुपए है। मालनपुर से निकलने के बाद हमें खोदे हुए गड्ढों में सीमेंटीकरण का कार्य और उसके बाद कुछ गड्ढों में खंभे भी रखे हुए दिखाई दिए। हालांकि ये खंभे अभी सीमेंट लगाकर फिक्स नहीं किए गए, पर ये उन खंभों में लगा दिए गए हैं। कुछ ही दिन में सीमेंट लगाकर इनको फिक्स कर दिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं मालनपुर से गोहद के बीच में इस तरह के काफ़ी संख्या में हमें खंभे लगे हुए दिखाई दिए। पिछले दिनों उत्तर मध्य रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर AK सिंघल ने इटावा से ग्वालियर ट्रैक का जायजा लिया था। वे टावर वैगन में बैठकर इटावा से भिंड तक आए थे। यहाँ पर रेल विद्युतीकरण का काम देखने के बाद उन्होंने सोनी रेलवे स्टेशन तक फाउंडेशन वर्क का भी जायजा लिया। श्री सिंघल ने रास्ते में संबंधित अधिकारियों से कहा कि बिरला नगर स्टेशन तक OHE का फाउंडेशन वर्क जून तक हर हाल में पूरा कर लें, जिससे उसके बाद खंभों में OHE के तारों को लगाने का काम किया जा सके। दोस्तों, सही माने में विद्युतीकरण के कार्य की पहाड़ तो भिंड रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिली। जैसा आप खुद देख पा रहे हैं भिंड रेलवे स्टेशन पर जितने भी रेलवे ट्रैक हैं वहाँ पर प्रॉपर रूप से खंभे लगे हुए हैं। कुछ खंभे सिंगल लगे हुए हैं, कुछ डबल लगे हुए हैं और कुछ ओवरहेड तारों को बैक देने के लिए वाले भी लगे हुए हैं। भिंड रेलवे स्टेशन पर OHE के खंभे लगने का काम लगभग पूरा हो चुका है और फिक्सर्स लगाकर तार खींचने का काम शुरू हो, ऐसी पूरी तैयारी यहां पर दिखाई देती है। जैसा आप खुद देख पा रहे हैं भिंड रेलवे स्टेशन पर प्राइमरी लेवल का काम पूरा हो चुका है। भिंड रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद इटावा तक फिलहाल हमें कोई अपडेट नहीं मिला। ना तो गड्ढे ही खुदे दिखाई दिए, ना सीमेंटीकरण और ना ही खंभे। लगता है कि
ग्वालियर से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू करके फिलहाल भिंड तक पूरा किए जाने पर सारा जोर दिया जा रहा है। ग्वालियर इटावा मैनपुरी तक विद्युतीकरण का कार्य भेल कंपनी को दिया गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर कार्य छतरपुर की BN कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई शिकायत हो तो भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। मैं विजय कार्तिकेय शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।